जी, आज जो कथित वजू खाना है ज्ञानवापी परिसर में, जहां शिवलिंग 16 मई 2022 को मिला था एडवोकेट कमीशन सर्वे में, उसके वैज्ञानिक सर्वे को लेके उस कथित वजू खाना एरिया के ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट कोर्ट नंबर 69 ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब की एकल पीठ में सुनवाई थी। हमारी तरफ से जो आर्गुमेंट रखा गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 का उनका ऑर्डर है उसमें उस एरिया को ड्यूली प्रोटेक्टेड किया है, ना कि सील किया है। सील का ऑर्डर सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी का था, उसको अमेंड करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको ड्यूली प्रोटेक्टेड किया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है 4 अगस्त 2023 का कि नॉन इन्वेंसिव वे में बगैर किसी नुकसान पहुंचाए एएसआई सर्वे कर सकती है। तो ऐसे में अगर इस वजूखाना जो कथित वजूखाना एरिया का एएसआई सर्वे होता है तो धार्मिक चरित्र के निर्धारण में मदद मिलेगी, ट्रायल में मदद मिलेगी, और ये निश्चित तौर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का वायोलेशन नहीं है। आफ्टर सम पॉइंट टाइम ऑफ आर्गूमेंट कोर्ट ने जो है इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 4 जो है मस्जिद पक्ष अंजुमन जामिया मसाजिद कमेटी को 4 हफ्ते का समय दिया है और अगली सुनवाई की तिथि जो है 14 अगस्त निर्धारित किया है।